हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। नहीं तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे हम लोग, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोगों ने पहला जो हमारा टॉपिक था वो डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज का भी जो टॉपिक हमारा है वो स्केलर से ही है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट से ही है। तो जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है ना, ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे एक मार्क्स का सवाल आ जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है प्रोजेक्शन निकालने के लिए। एक वेक्टर दिया रहेगा, दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालने के लिए आपसे पूछा जाएगा ना। तो देखिए एक्चुअली में प्रोजेक्शन होता है क्या। प्रोजेक्शन का मतलब यहाँ पर यह समझ लीजिए, शैडो। शैडो का मतलब समझते हो, शैडो का मतलब परछाई जो होता है ना, क्या होता है, शैडो का हम बात कर रहे हैं। नहीं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी, परछाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, परछाई। तो ध्यान देना यहाँ पर कि सर आखिर में ये प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं। देखो ध्यान देना पे, अभी यहाँ पर मैंने फिगर लिया हुआ, समुद्र फिगर लिया हुआ, देखिए ध्यान से यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई वेक्टर हमारे पास ऐसा है, ये जो है ऐसा कोई यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर कोई लाइन है, यहाँ पर कोई मैंने वेक्टर लिया सपोज ये। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ऐसा कोई वेक्टर लिया हुआ, ऐसा कुछ कर दिया मैं, अगर मान लीजिए यहां से मैं टॉर्च मारता हूं, इस पे बत्ती जलाता हूं, बल्ब जला दिया मैंने, यहां पे रोशनी मारा ऐसे करके, तो जब यहां पर ये प्रकाश डालेगा तो इसका शैडो बनेगा नहीं बनेगा, यहां पर इसका क्या बनेगा, परछाई आएगा। तो यही जो परछाई वो क्या कहलाएगा, इस वेक्टर का क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन बनेगा। क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन। लाइट मतलब अगर मैं मान लीजिए यहां से मैं टॉर्च मारता हूं, टॉर्च का बत्ती, बत्ती अगर कोई बल्ब मारता हूं इस एरिया पे, मारता हूं इस पार्ट पे यहां से, तो ये डेफिनेटली है कि यहां से कोई एक, यहां पर क्या होगा, एक शैडो बनेगा। क्या बनेगा, शैडो। शैडो बनेगा नहीं बनेगा, शैडो का मतलब परछाई, परछाई बनेगा। और उस परछाई का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, यानी कि कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और वही मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। कहने का मतलब है ये वेक्टर ये है, यहां पर देखिए ये वेक्टर है, मैंने ये बोला क्या कहलाएगा, ये जो पार्ट है मैंने पी आर, पीआर मेरा क्या है, पीआर जो है वो वेक्टर ए का प्रोजेक्शन कर रहेगा। बात समझ में आ गया कि यहाँ से जब भी लाइट मारेंगे, जब भी कोई लाइट जलेगा तो इस पर क्या बनेगा, एक शैडो बनेगा, परछाई बनेगा। उस परछाई का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, और उसी लेंथ को हम लोग बोलेंगे वेक्टर के, क्या बोलते हैं उसको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या बोलेंगे उसको, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ मैंने लिया दर मोर एल एम इज इक्वल टू पी आर, एल एम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर वेक्टर है, यहाँ देखिए ये अगर वेक्टर है तो इसका प्रोजेक्शन अगर हम डालते हैं यहाँ पर, अगर ये वेक्टर है इस पर कोई रोशनी मारते हैं तो ये बनता है। अगर मान लीजिए सपोज ये वेक्टर मेरा आर है तो ये बनेगा आर कॉस थीटा, और इधर का जो लेंथ होता है वो आर साइन थीटा होता है। बता, इधर का क्या होता है, ये आर कॉस थीटा, ये होगा आर साइन थीटा, तो ये भी आर साइन थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों के आपस में पैरेलल है। बात समझ में आ रहा है, तो ये भी एक प्रोजेक्शन कहलाता है, ये भी क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन कहलाता है। अगर इस वेक्टर में अगर कोई ऐसा यहाँ पर फिगर ले ले जिसका परछाई इस पर बने, इस लेंथ पर बने, तो ये क्या कहलाएगा, उस वेक्टर का क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। इसका मतलब एल एम बराबर क्या होता है, प्रोजेक्शन ए कॉस थीटा। आने की सिंपल से एक और बात है, जिस दिन अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा कोई खंभा लटका होगा, कोई खंभा लटका होगा, तो अगर ये खंभा लटका हुआ है तो जिस दिन ये खंभा नीचे टूट के गिरेगा, नहीं यहाँ थीटा एंगल है, नीचे टूट के गिरेगा, कोई अगर सपोज कोई आदमी ऐसे समझे कि यहाँ कॉस ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ कॉस ही लेते हैं, जिस दिन ये खंभा टूट के नीचे गिरेगा, नहीं ये खंभा जो है टूट के नीचे गिरेगा, इस आदमी का सर पे गिरेगा। अब जब सर पे गिरेगा तो कैसे निकलेगा, खांसते हुए निकलेगा ना, भागेगा नहीं। तो खास का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा। जिस दिन ये खंभा गिरा, ये लेंथ क्या बनेगा, ए कॉस थीटा, माने ये खंभा का मतलब क्या हो जाएगा, इसका परछाई, परछाई का मतलब इसका शैडो। यानी कि जो मेरा प्रोजेक्शन वेक्टर होता है, प्रोजेक्शन वेक्टर होता है माने इसका जो, इस पर जो लाइट पड़ती है, इसका जो शैडो बनता है, उस लेंथ, उसका कुछ ना कुछ लेंथ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहां लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, यहां पर बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसका क्या बनेगा, प्रोजेक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर ये वेक्टर यहां पर बी है, ठीक है ना। तो यहां पर ये लेंथ और ये लेंथ दोनों तो बराबर है, तो एल एम बराबर पी आर ले लिया, तो एल एम बराबर मेरा कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इसका प्रोजेक्शन का जो डिटेल हम लोग है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला जो आता है, आखिर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या है, वाई का ज्योमेट्रिकल मीनिंग से, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ किसका, स्केलर प्रोडक्ट का। स्केलर प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देता है, देखिए ध्यान दीजिए, ओ एम, ओ एम मेरा क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए पर।
ध्यान देना इस फिगर को, अभी हमको सिर्फ OM प्रेजेंट करना, OM माने ये ना ट्रायंगल लेना, ये ट्रायंगल लेना, सपोज इसका नाम B दे दीजिए, O B A लेना, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये वाला क्या है ना, ये जो वेक्टर B है, वेक्टर B है ना, और ये वेक्टर A है, अगर यहां पर हम लाइट मारेंगे तो इसका प्रोजेक्शन कौन का लगेगा, ये प्रोजेक्शन बनेगा इसका, ये प्रोजेक्शन बनेगा OM, तो OM बराबर क्या हो जाएगा, OM बराबर हो जाएगा आपका B cos थीटा, जो कि जिस दिन इस पर लाइट पड़ेगा इस फिगर को आप इससे मैच करके देख लीजिए, जब भी यहां पे हम लाइट मारेंगे तो इसके शैडो यहां पे बनेगा, और ये शैडो क्या कहलाएगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ना। उसके बाद ओएन, ओएन ओएन क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ओएन 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 का मतलब ये वाला पार्ट, ये भी प्रोजेक्शन किसका होगा, इस वेक्टर का होगा। इस वेक्टर के ऊपर अगर मैं परछाई मारूं इसको ऐसे करके सीधा कर दूं इसे, तो जब ऐसे बनेगा तो बिल्कुल ऐसा बनेगा, तो जब इस लाइन पर हम जब मारेंगे लाइट तो इसका शैडो यहां पे पड़ेगा, ये शैडो बनेगा इस वेक्टर पर, तो ये किसका प्रोजेक्शन हो गया, ओएम किसका प्रोजेक्शन हो गया, वेक्टर ए का, और ओएम किसका प्रोजेक्शन हो गया, वेक्टर बी का, यहां लिखा हुआ है ओएम जो है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए पर, और ओएम जो है वो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी पे, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर ना मुझे पता है आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि ए डॉट बी बराबर हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा आता है, क्या आता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड तो है, ये तो मैग्नीट्यूड है ना, ये क्या है ना, बी कॉस थीटा जो है वो बी कॉस थीटा है क्या, नहीं, बी कॉस थीटा क्या है, मैग्नीट्यूड है, किसका मैग्नीट्यूड है, देखिए बी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड का मतलब कोई नंबर देगा, यानी कि बी कॉस थीटा को मैं क्या बोल सकता हूँ, ओएम बोल सकता हूँ, और ओएम को मैंने क्या लिखा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, इसलिए मैंने इस पूरे पार्ट को जो घेरा उसका नाम क्या दे दिया मैंने, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्या बोला उसको, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बस समझ में आ रहा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या है, गुणा में इसके साथ, तो इसके साथ डिवाइड मारेगा, तो इतना बराबर मैं लिख सकता हूँ, ये डिवाइड मार देगा इसके साथ, तो ए डॉट बी बराबर कितना देगा, बटा ए। और आपको पता है कि इस वेक्टर को अगर मैं बी डॉट, अगर मैं इसको वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो पता है ये क्या बनेगा, बी इंटू वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर, ये तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा ना, ए यूनिट वेक्टर बराबर क्या होगा, ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड, ये आप लोगों को पता है। इसका मतलब अगर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए पे निकालना है, तो बी जिस वेक्टर पे निकालना है उसका यूनिट वेक्टर से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, या फिर आप ये मान लो याद रखेंगे, बात समझ में आ रहा है ना, माने जिस पर निकालना उसका यूनिट वेक्टर से गुणा कर देंगे। ऑन का मतलब किस पर निकालना, बी का प्रोजेक्शन निकालना किस पर, ए पर, तो बी डॉट किस पर गुणा करेंगे, ए का यूनिट वेक्टर से, या फिर ए डॉट बी और ए का मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दीजिए। मैंने यूनिट वेक्टर किसको लिया है, ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड को मैंने क्या मान लिया है, यूनिट वेक्टर मान लिया, इसलिए इसको मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा, ठीक है, ध्यान देना आगे ये देखिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बात करें कि अगर हम लोग सर की प्रोजेक्शन ऑफ अगर ए निकालना है बी पर तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, नहीं तो हम लोग को देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को ये पता है, क्या पता है कि एज वी नो दैट, एज वी नो दैट क्या पता है हम लोगों को, ये पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी होता है, और ये कितना हो जाता है, कॉस थीटा होता है, क्या होता है, ये होगा क्या ना होगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, यहां पर मैं लिख सकता हूँ ए डॉट बी और इसको लिख दो, इसको लिख सकता हूं मैंने क्या लिख सकता हूं कि बी का मैग्नीट्यूड इंटू ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और इसका नाम क्या है, अब देखिए जिसको मैंने ए डॉट बी रहेगा और ये बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, हो जाएगा, और ये कितना हो गया, ये पार्ट किसका नाम है, ये कौन सा है, ए कॉस थीटा है, ए कॉस थीटा को क्या बोल सकते हैं, ओएन, इसका मतलब देयरफॉर ओएन बराबर हमारे पास ए डॉट बी बटा कितना हो जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड, आया क्या नहीं, इसका मतलब ओएन मेरा है क्या, ओएन किसको बोले हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी कि बोल सकते हैं इसको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड, यानी कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक ये याद रखना है और दूसरा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, मैंने जिसका प्रोजेक्शन निकालना है इसको कवर लाइन लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं
a into b मतलब b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, b का यूनिट वेक्टर, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये भी आपको क्या देगा, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, क्या देगा ऑन b, मतलब a का प्रोजेक्शन निकालना है b पे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक नंबर का सवाल आता है कि दो बटन दिया रहेगा, किसी दूसरे बटन को क्या बोलेगा, प्रोजेक्शन निकालना है, तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला आपके पास है एक, ये जब a को b पर निकालना, जिस पर निकालना उसी का मैग्नीट्यूड नीचे रहेगा। देखो यहाँ पर a पर निकालना तो a का मैग्नीट्यूड नीचे, यहाँ पर b पे निकालना है तो b का मैग्नीट्यूड नीचे, ऊपर सेम रहेगा, ऊपर दोनों के लिए सेम है, बस सिर्फ मुझे किस बात का ध्यान देना है, जिस पर निकालना है वो आपका नीचे रहेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग से मुझे क्या मिल गया, उसका फार्मूला मिल गया कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर होता क्या, ठीक है। इस पे सवाल हम लोग देखते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, इस बेसिस पे, इस कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग सवाल करेंगे।